अस्सलाम वालेकुम गाइस, आरपीपी ऑफिशियल मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो नम्स के एडमिशन के हवाले से है। एमबीबीएस और बीडीएस का जो एडमिशन है 2023 वो जो है ना अनाउंस कर दिया गया है नम्स की तरफ से। तो किस तरह आपने फॉर्म को फिल करना है और किस तरह एडमिशन अप्लाई करना है नम्स के लिए, तो कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना। तो आए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम आ जाएं नम्स की वेबसाइट के ऊपर, तो जैसा कि आपको पता है कि 3 सितंबर को नम्स का जो है ना वो MD कैट लिया गया था, नेशनल MD कैट, और वो उसका रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया गया था। उसके बाद जो नम्स हैं उन्होंने क्या किया है कि अपना जो एडमिशन है वो ओपन कर दिया है फॉर फर्स्ट ईयर MBBS एंड BDS पब्लिक सेक्टर्स ऑल, जो भी इनके जो एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर। तो आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एडमिशन्स का। तो ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही उसके बाद क्लिक फॉर मोर डिटेल, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसके अंदर आ जाएँ तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे इन्होंने एडवर्टीज़मेंट दी हुई है, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं एडवर्टीज़मेंट को, इसमें इन्होंने हमें क्या बताया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर MBBS BDS सेशन 23-24, और इसमें तमाम डिटेल इन्होंने बताई है और हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि आप किसी किस्म का आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और ओपन मेरिट सीट। जैसा कि आपको पता है कि नम्स के अंदर जो है ना वो ओपन मेरिट सीट पे जो है ना वो बच्चे कम्पीट करते हैं, तो ओपन मेरिट सीट के वाले से कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे दिया, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पाकिस्तानी सिटीज़न इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन AMC रावलपिंडी। तो जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के, वो भी जो है ना आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 3 सितंबर को MD CAT कंडक्ट हुआ था। जिन बच्चों के MD CAT में यानी कि MBBS का जिन्होंने अप्लाई करना, उनके 55% मार्क्स बन रहे हैं और 50% BDS के अंदर बन रहे हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 60% एग्रीगेट FSC के अंदर आपका होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। ये आपकी सीट कंफर्मेशन का नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ है कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन सीट की बात करें, तो फॉरेन स्टूडेंट इज़ अ स्टूडेंट हु होल्ड फॉरेन ड्यूअल नेशनैलिटी और इज़ एन ओवरसी पाकिस्तानी हु हैज़ स्टडीड एंड पास 12th ग्रेड एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर AMC फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स अगेंस्ट द फॉरेन सीट इज़ सेम एज मेंशन अबव। तो उनका क्राइटेरिया भी बिल्कुल सेम है जिस तरह के नॉर्मल स्टूडेंट्स का है। उसके बाद अगर हम मेरिट की बात करें, तो मेरिट में एंट्री टेस्ट जो कि MD CAT है नम्स का, वो 50% है, और HSSC यानी कि मैट्रिक प्री मेडिकल जिन्होंने की हुई है उनका 40%, और SSC मैट्रिक यानी कि जो आप 10th क्लास आपकी है उसका 10% इंक्लूड किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल आज से शुरू हो गई है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद रेगुलर फीस जो है ना ओपन मेरिट के लिए 5000 है, और फॉरेन जो लोग हैं उनके लिए 30000 है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है, और 20 अक्टूबर फ्राइडे है, उसके बाद अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेट फीस के साथ 27 अक्टूबर तक अप्लाई किया जा सकता है। उसकी फ़ीस जो रेगुलर स्टूडेंट है ओपन मेरिट वाले उनके लिए 6000, और जो बाहर के हैं उनके लिए 35000, यानी 35000 इज़ द फीस फॉर फॉरेन सीट। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन 15 नवंबर 2023 वेनसडे, एंड डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ PDS विल बी अपलोडेड ऑन थर्सडे 28 दिसंबर 2023। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज रिगार्डिंग द MBBS विल बी स्टार्टेड इन ऑन मंडे 15 जनवरी 2024, एंड सिमिलरली क्लास कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज ऑफ BDS विल बी स्टार्टेड ऑन 22nd जनवरी मंडे 2024। तो ये तमाम डिटेल है जो कि एडमिशन के हवाले से है। उसके बाद अप्लाई करने का तरीका ये, आप नम्स की वेबसाइट पे चला जाए, वहाँ ऑनलाइन इन्होंने अपना जो है ना वो पोर्टल दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपने लॉगिन करना है। वो भी तरीक़ेकार आपको बताता हूँ किस तरह आपने उसको करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो फ़ीस हम बात कर चुके हैं कि क्या है फ़ीस के हवाले से, और बाकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये यह आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि एप्लीकेंट फॉर इम्प्रूव मार्क्स फॉर 12 विल बी एंटरटेन टिल 10 नवंबर ओनली। जिन जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो जो है ना उनके लिए रिलैक्स इन्होंने किया है कि 10 नवंबर तक वो जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक की बात करें और FSC की जो आपकी मार्कशीट है यानी जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसको आपने IBCC से अटेस्ट करवाना है और ये लाजमी है। उसके बाद जो पेइंग क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर ओनली नम्स पब्लिक सेक्टर AMC ऑन ओपन मेरिट, दोज अप्लाइंग एज अ पेइंग क्रेडिट टू WN आर्टिकल मस्ट अप्लाई ऑनलाइन। जिन्होंने पेइंग क्रेडिट के लिए अप्लाई करना है वो ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे, अगर वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे तो वो पेइंग क्रेडिट में भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम एडमिशन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी है, यहाँ पे अंडरटेकिंग एक दिया हुआ है, ये अंडरटेकिंग आपने प्लेन पेपर पे फिल करके फिर इसको स्कैन करके अपलोड करना है, और साथ में मैट्रिक और FSC का जो सर्टिफिकेट है वो IBCC से जो है ना वो टेस्ट करवा के फिर आपने वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी उनके लिए। तो हम पाकिस्तानी वाला खोलते हैं तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो गया है। यहाँ पे टोटल 7 स्टेप्स हैं, इनको आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आप जो है ना आपका अप्लाई होता जाएगा। ये आपने चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं और यहाँ पे चलान है, वो आप जब सारी चीज़ें लगा देंगे तो चलान आपका प्रिंट हो जाएगा और फाइनली फिर आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो GATE और BDS NUMS के अंदर अप्लाई करने के लिए, इसके एफिलेटेड कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। आई विल बी अवेलेबल विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।